रीड आईएएस में आपका स्वागत है। मेरा नाम विष्णु शंकर रहा है और मैं अभी उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा परीक्षा 2015 में मार्केटिंग इंस्पेक्टर के पद पर चयनित हुआ हूँ। और मित्रों, सिविल सेवा परीक्षा में तैयारी करने के दौरान जो हमारा अनुभव था वो मैं आप लोगों के सामने शेयर करना चाहूँगा कि क्या क्या वो कमियाँ रहती हैं जिसकी वजह से कोई भी विद्यार्थी जो तैयारी करने आता है, तैयारी करने सिविल सेवा के आता है, तो उसमें क्या क्या उसको परेशानियाँ होती हैं। मुझे लगता है कि जैसे हम जब तैयारी करते हैं तो ये सोचते हैं कि हम आईएएस बनेंगे, आईपीएस बनेंगे, तभी जीवन है हमारा और इसके अलावा हम कुछ सोचते नहीं हैं। तो शुरुआत में हमारा जो अप्रोच होता है वो काफ़ी मतलब कम्प्रिहेंसिव नहीं कहा जाएगा उसको, तो हम यू स्टेट पीसीएस को और चीज़ों को हम बहुत छोटी चीज़ें समझते हैं, जबकि ये स्टेट पीसीएस या कोई भी लोक सेवा के आयोग के माध्यम से जो भी हम चयनित होते हैं उसमें ये होता है कम से कम हम प्राइवेट सेक्टर और कॉरपोरेट इस सबसे तो अच्छे उसमें प्रोफाइल में रहते हैं, जहाँ प्रोफाइल में रहते हैं। तो मेरा यह मानना है कि तैयारी के दौरान जो हमने अपना व्यक्तिगत अनुभव जो किया, तो मैं सोचा हूँ कि आप लोगों के सामने मैं शेयर करूँ। उसमें ये रहा कि शुरुआती दौर में हम लोग बस सिर्फ, और जब तक हमारी उम्र ये रहती है कि हमारे पास आईएएस के अटेम्प्ट होते हैं तो हम सोचते हैं कि सिर्फ यूपीएससी ही एक है और जब हम आईएएस आईपीएस बनेंगे तभी हम अपना वो जीवन कर पाएंगे और कुछ भी नहीं हो पाएगा। तो हम क्या करते हैं कि स्टेट, जिस भी स्टेट से हम बिलोंग करते हैं उसमें क्या होता है कि हम उन परीक्षाओं पर ध्यान नहीं देते हैं। और जब उम्र के साथ साथ जब होता है कि जब उम्र बढ़ती है आपकी, आपकी और भी जो चीज़ें हेल्थ हुआ हुआ और भी परिवार की जो समस्याएं हैं, तो कुछ आगे चल के ऐसी समस्याएं भी आती हैं कि जिससे कि हम इससे रूबरू होते रहते हैं। तो मुझे लगा कि सिविल सेवा परीक्षा की जब तैयारी कोई भी व्यक्ति करे तो उसको एक बॉटम अप अप्रोच रखना चाहिए। यदि हम शुरुआती में यदि अपने स्टेट पीसीएस और यूपीएससी को साथ साथ लेकर चलें तो मुझे लगता है कि आप लोगों को सफलता बहुत जल्दी और अच्छे आप लोग पहुँचे। तो हमारा एक व्यक्तिगत वो रहा, इस चीज़ का अनुभव रहा। और इस दौरान तैयारी के दौरान ये रहा कि अब तैयारी में ये था कि जो यहाँ पे जो भी कोशिश संस्थान या जो भी आप जहाँ जैसे आप लोग पढ़ते हैं तो उसमें ये होता है कि वो लोग ऐसा ब्रेन वॉश, ऐसा माइंड वॉश करते हैं कि उनको लगता है कि नहीं, हम जो दे रहे हैं मैटर और जो कुछ है और वही सब कुछ है हमारा प्रयास है। तो लेकिन मुझे लगा कि इसे हर चीज़ का अपना अपना डिमांड होता है। जैसे मान लीजिए यूपीएससी की आप तैयारी कर रहे हैं तो यूपीएससी की एक डिमांड है, आप आरएएस की तैयारी कर रहे हैं तो आरएएस की एक डिमांड है, चाहे बीपीएससी दे रहे हो, चाहे यूपी पीसीएस दे रहे हो, सबकी अपनी अपनी परीक्षाओं का एक डिमांड है। तो हम कैसे उन चीज़ को एक साथ कर सकते हैं? तो मुझे लगा कि आप जिस भी स्टेट से हैं उस स्टेट की तैयारी करें और यूपीएससी की तैयारी करें, और बहुत ज़्यादा भाग दौड़ कि हम एमपी चले जाएं, हम यूपी चले जाएं, हम यहाँ चले जाएं, तो मुझे लगता है कि ये ज़्यादा फ्रूटफुल नहीं रहेगा, क्योंकि सबकी अलग अलग एक डिमांड होती है। तो इस दौरान तैयारी के दौरान ये होता है, पहली बात हम आते हैं तो सोचते हैं कि हमारा एक ऑप्शनल सब्जेक्ट क्या हो, अच्छा हो। तो उसमें क्या होता है कि हम जिस संस्था से जुड़ते हैं या फिर जैसे होता है कि उस साल जैसे जिस रेट में सिलेक्शन हो गया तो हम उस ऑप्शनल की तरफ चले जाते हैं। तो एक तो ये होता, और दूसरी चीज़ होता है कि आपको, पहली बात तो मुझे लगता है कि जिस भी ऑप्शनल पेपर को आप चुने, जो भी आप सब्जेक्ट चॉइस करना चाहते हैं, तो उसमें आप विगत कुछ दिनों का, कुछ सालों का आप एक एनालिसिस करें कि विगत कुछ सालों में उस सब्जेक्ट से कितने लोगों का हुआ, और फिर अपनी च्वाइस भी आपकी होनी चाहिए कि नहीं आप अच्छा क्या कर सकते हैं। कुछ आपके पास एकेडमिकली कुछ आपके पास चीज़ें होती हैं, कभी कभी लोग सिविल सेवा परीक्षा में जो एकेडमिक सब्जेक्ट होता है उससे नहीं होते हैं, तो उसमें ये होता है कि एक तो पहले च्वाइस, और उसी चीज़ एक कुशल मार्गदर्शन की भी आवश्यकता होती है। तो उसमें ये होता है कि आप अच्छे टीचर्स मिलें और लोगों से जो सीनियर्स वो आपके होते हैं उनसे मिलें, तो एक एक ओवरव्यू आप बनाएं। तो एक तो ये होता है, और दूसरी चीज़ क्या होता है कि अब पढ़ाई के दौरान कैसे हम पढ़ें। तो लोग क्या करते हैं कि पढ़ाई के दौरान जैसे कुछ दिन पढ़ने के बाद एक अच्छा वक्ता बनने लगते हैं, कुछ लोग अच्छा वक्ता होते भी हैं, फिर अगल बगल के लोग सोचते रहते हैं अच्छा वक्ता है तो बड़ी जानकारी है, तो ये भी होता है। लेकिन अब वो वक्ता प्री के स्तर पे तो आएगा नहीं, जो प्री क्वालिफाई करेगा तभी ना वक्ता को, मेंस क्वालिफाई करेगा तो वक्ता बन पाएगा वो। तो हमें लगता है कि आप लोग जो तैयारी का जो अप्रोच हो ना, वो प्री, मेंस और इंटरव्यू ये हो, और अपने स्टेट पीसीएस और सिविल सेवा दोनों को कैसे आप वो कर सकते हैं। तो स्टेट पीसीएस जैसे मान लीजिए कोई यूपी या बिहार या झारखंड या फिर उत्तराखंड या राजस्थान या भी जहाँ का भी हो, तो स्टेट पीसीएस की एक डिमांड अलग होती है और यूपीएससी की अलग होता है। यूपीएससी में क्या है कि आपको चीज़ें कॉन्सेप्चुअल बेस होती हैं और उसमें फैक्चुअल भी होती हैं, पांच लाइन के प्रश्न होते हैं, पांच लाइन में से तीन लाइन आप देखेंगे तो फैक्चुअल रहेगा, दो लाइन आपका कॉन्सेप्चुअल रहेगा। तो
एक तो उसका डिमांड हो गया और फिर आपके 100 क्वेश्चन उसमें हैं और फिर आपको जितना आप मतलब करते हैं तो लगभग मान के चलिए 50-60 क्वेश्चन जो कर लेता है उसको उसका प्री क्वालिफाई होता है। फिर उसका मेंस है तो मेंस का अलग हिसाब किताब है। और स्टेट पीसीएस में क्या होता है प्री के स्तर पर होता है कि मान लीजिए यूपी ने काफ़ी अच्छा प्रयास अब करना शुरू किया तो उसमें क्या है फैक्चुअल क्वेश्चन है। और एक मान्यता थी कि लोग प्रीवियस ईयर के पेपर पढ़ के जाते थे उससे उनका प्री हो जाता था, लेकिन ऐसा कुछ अब है नहीं। अब कुछ उन्होंने काफ़ी अच्छा उन्होंने सुधार उसमें किया है तो अब आपको एक कम्प्रिहेंसिव मतलब फैक्चुअल और कॉन्सेप्चुअल दोनों टाइप का नॉलेज होना चाहिए। और वहाँ पर निगेटिव मार्किंग हमारे यूपी उत्तर प्रदेश में हो गई मान लीजिए तो वहाँ पर भी आपको एकदम वही क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं जिनको आपको बहुत अच्छे ढंग से आपको आता है। तो ये चीज़ें हो गई। अब बात है कि संस्था जो हमारी मतलब जिसमें हम जिससे जुड़ते हैं या मान लीजिए तो उसका भी अपना एक होता है वो क्या करते हैं कि ब्रेन वॉश करते हैं एक तरह से। तो अब हमको लगता है कि नहीं उन्हीं के साथ जुड़ गए तो अब उनके अलावा किसी को कुछ पढ़े ही नहीं, तो एक भी नहीं, ये भी गलत चीज़ होती है। उसमें क्या होता है कि आपको मार्केट में जो भी जहाँ भी आप तैयारी कर रहे हैं तो उसमें ये होता है कि आप जो भी विभिन्न संस्थाएं हैं जो भी अच्छा जो प्रयास कर रहा है जिस क्षेत्र में कर रहा है तो आप उनकी अच्छी चीज़ों को लीजिए। ऐसा ना हो कि आप जिहादियों की तरह काम करना शुरू कर दीजिए कि नहीं हम तो यहीं पढ़ रहे हैं तो यहीं हमको स्वर्ग है और यहीं हम उसके बाद तो सब नरक है, तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए। तो तैयारी के दौरान ये सब गलतियाँ शुरुआती दौर में होती हैं। और दूसरी चीज़ क्या होता है कोई टीचर मिले या कोई सीनियर मिलता है कोई सुझाव देता है मान लीजिए उसकी जो होता है तो हम सोचते हैं कि अरे ये तो कुछ अपने लाइफ में कर नहीं पाए तो हमको ये सुझाव देना ये कर लो, तो ये भी एक गलत अप्रोच होता है। उसमें ये है कि आप हर चीज़ों हर की बातें सबकी बातों को सुने क्योंकि सभी लोग कुछ ना कुछ उनका अपना एक जीवन अनुभव है, हो सकता है उन अनुभव के आप उसको करके और फिर आप सफल हो सकते हैं, आप बहुत कम उम्र में सफल हो सकते हैं। तो ये सब बातें रही। अब जहाँ तक परीक्षाओं की बात है सिविल सेवा परीक्षा की, तो आप ये है कि अब चार पेपर उसके जीएस के हैं और एक ऑप्शनल पे होता है इंग्लिश क्वालिफाई है और उसके बाद हिंदी का एक क्वालिफिकेशन है उसमें कोई हो नहीं, तो उसमें हर का एक अपना अपना पोर्शन है। जहाँ तक लोक प्रशासन या फिर जैसे पोल्ट्री का जो है तो लोक प्रशासन सब्जेक्ट वाले जो लोग हैं जैसे मेरा तो लोक प्रशासन और फिलासफी रहा तैयारी के दौरान काफ़ी समय तक मैं इन दोनों सब्जेक्ट से रहा था, अब तो यहाँ पर एक सब्जेक्ट हो गया तो लोक प्रशासन और फिलासफी दोनों सब्जेक्ट हैं यहाँ पर। तो इस दौरान ये रहा कि इसे लोक प्रशासन को यदि एक सब्जेक्ट के रूप में मैंने रखा जब लास्ट जब एक सब्जेक्ट हुआ तो उसमें ये रहा कि हमारा जो सेकेंड पेपर जीएस का रहा यूपीएससी में तो उसमें हमारा काफ़ी कुछ पोर्शन मतलब मान के चलिए कि लगभग 70% जो होता है कवर हुआ और प्लस इथिक्स का जो पेपर था हमारा फोर्थ पेपर उसकी काफ़ी चीज़ उसमें लगभग 100% चीज़ें जो थी वो हमारे लोक प्रशासन से संबंधित थी। तो ये तैयारी में ये यूपीएससी के दौरान रहा। जहाँ तक यूपी पीसीएस की बात है तो यूपी पीसीएस का अभी तक का तीन परीक्षाएं होती हैं संघ लोक अरे लोक सेवा आयोग से, एक होता है लोअर सबॉर्डिनेट, एक होती है रिव्यू ऑफिसर की परीक्षा और एक अपर होता है। तो लोअर सबॉर्डिनेट की परीक्षा तो अब नॉन इंटरव्यू पोस्ट पे हो गया तो उसको अब एसएससी के थ्रू कराया जाएगा। अब जो परीक्षाएं होगी वो एक होगा समीक्षा अधिकारी और एक अपर पीसीएस। तो 2018 की परीक्षा है, अपर पीसीएस का भी नोटिफिकेशन तो नहीं आया है लेकिन एक आध महीने डेढ़ महीने के अंदर आ जाएगा और उसमें निगेटिव मार्किंग कर दिया गया। तो जो छात्र यूपी पीसीएस के लिए जो मतलब कर रहे हैं तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए है कि अभी से वो समसामयिक जो होती चीज़ें होती हैं तो उनके लिए एक जो भी पत्रिका आप पढ़ते हैं उसको अच्छे से पढ़ें। और बात हुआ कि जो ट्रेडिशनल पोर्शन है तो ट्रेडिशनल पोर्शन के लिए आप टेक्स्ट बुक पढ़ें न कि प्रीवियस ईयर के आए हुए पेपर्स, उसको तो आप पढ़ें। उसके लिए क्या आता है जैसे आप तैयारी कर रहे हैं तो उसको तो आप रखेंगे क्योंकि आपको मालूम चलेगा कि कैसे क्वेश्चन आते हैं, लेकिन हम उसको मेन पुस्तक के रूप में या मुख्य आधार बनाकर उसका तैयारी न करें। तो एक तो टेक्स्ट बुक में क्या है कि आपको मान लीजिए 150 क्वेश्चन आपके यूपी पीसीएस प्री में आते हैं तो उन 150 क्वेश्चन में से लगभग 25-30 क्वेश्चन आपके हिस्ट्री के होंगे, 25-30 क्वेश्चन आपके लगभग ज्योग्राफी और एनवायरमेंट से होते हैं, 25 क्वेश्चन पॉलिटी के होते हैं, फिर साइंस के हैं, फिर कुछ जनसंख्या नगरीकरण के क्वेश्चन हैं, फिर सबसे ज़्यादा मेजर पोर्शन है करेंट का। तो ये होता है। अब 150 क्वेश्चन है, अब इसको आपको ट्रेडिशनल और प्लस करेंट ये दोनों चीज़ें आपको करना है। ट्रेडिशनल पोर्शन आप ट्रेडिशनल एक टेक्स्ट बुक जो भी है सबकी एक रिकॉग्नाइज्ड टेक्स्ट बुक है सबसे उससे पढ़ें, और प्लस क्वेश्चन बैंक को एक सहायक के रूप में रहें कि देखते रहें कि कैसे ऐसा भटकने ना पाए आप, तो वो वहाँ से आप तैयारी करें। तो इन दोनों को करते और जितना हो सके कि आप उन प्रश्नों को करें जहाँ पर आप कभी उसको पढ़े हैं या देखे हैं, आप अनावश्यक प्रश्नों का हल न करें क्योंकि आपको 1/3 निगेटिव मार्किंग भी की जाती है। तो ये चीज़ें हो गई आपकी आप इस प्री के स्तर पर हुआ। अब हुआ मेंस।
तो आप यदि प्री क्वालिफाई किए तो आपको मेंस का मिलेगा मौका, तो आपका एक ऑप्शनल रहेगा। और अब तो सुनने में आया है कि अपना 2018 का जो पीसीएस परीक्षा होगी वो यूपीएससी के पैटर्न पे होगा, और उसमें पेपर जो अभी तक जो संभावित है उसमें ये है कि एक सामान्य हिंदी का पेपर होगा जो 150 नंबर का होगा, एक सामान्य निबंध का पेपर होगा जिसमें 3 निबंध होते हैं वो भी 150 नंबर का होगा, और 4 आपके यूपीएससी की तरह जीएस का पेपर होगा, और एक आपका ऑप्शनल रहेगा चाहे जो भी आपका ऑप्शनल है, तो ये आपकी परीक्षा रहेगी। उसके बाद 100 नंबर का आपका इंटरव्यू होगा, तो इंटरव्यू के सेक्शन को घटा दिया गया कि जो अभी तक 200 नंबर का हुआ करता था अब वो 100 नंबर का होगा। तो इस तरह से होता, अब होती है मेंस की बात। अब जो लड़के ये सोचते हैं कि नहीं यूपीएससी तैयारी करेंगे, यूपी का नहीं करेंगे, या इस तरह से सोचते थे, अब उनको इस तरह का दुविधा जो है वो उससे मुक्त हो जाएंगे, क्योंकि वो यूपीएससी और यूपी दोनों का लगभग लगभग एक सिलेबस हो रहा है। हाँ, वहाँ पर यूपीएससी में क्या है कि वहाँ पर हिंदी और इंग्लिश आपको क्वालिफाई करना है यहाँ पर, और यहाँ पर क्या हिंदी का नंबर जुड़ेगा और एक निबंध वहाँ लिखना है, एक निबंध यहाँ तो पेपर है ही, तो ये हो गया। तो लगभग लगभग सेम है सिलेबस। तो जो भी लोग यूपी से हैं स्पेशली, तो वो है कि अपने यूपी की तैयारी के दौरान आप उसको फैक्चुअल नॉलेज, क्योंकि यूपीएससी में भी 3, यदि मान लीजिए कोई प्रश्न पूछा आप यदि एनालिसिस करेंगे तो लगभग लगभग मान चलिए कि 45 क्वेश्चन तो फैक्चुअल होते ही होते हैं। अब हमको लगता है कि नहीं, हमको बस अभी होता कि नहीं कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आते हैं, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आते हैं, और उसमें क्या होता है हम दुविधा में रहते हैं, और कॉन्सेप्चुअल और फैक्चुअल दोनों कैसे मिला के हम तैयारी करें, तो ये होता है आपका वो। तो अभी तक का हमारा ये अनुभव रहा। और दूसरी चीज़ है कि एक संस्था हमारी IAS की जो प्रयास है, और अभय सर के मार्गदर्शन में जो प्रयास है, और काफ़ी अच्छा प्रयास किया गया यहाँ पर, जो क्लास नोट्स प्रोवाइड किए जा रहे हैं, ये वीडियोस भी आपके YouTube चैनल्स पे मिल जाएंगे, reside के नाम से आप देख सकते हैं, और सर का काफ़ी अच्छा प्रयास है लोक प्रशासन के सब्जेक्ट के रूप में, एक तरह से सर का अपना भी एक वो स्थान है, सर की जो भी चीज़ें हैं, तो यहाँ पर संस्था भी अच्छी एक है, आपके पास एक ऑप्शन है, आप देख सकते हैं, इसको प्रोवाइड कराते हैं सर, और आपको यूट्यूब चैनल पे आप reside के नाम से सर्च करेंगे तो अभय सर का वो आता है। और पब्लिक एड जैसे एक सब्जेक्ट के रूप में भी एक अच्छा सब्जेक्ट है, क्योंकि काफ़ी डायनेमिक सब्जेक्ट है, और यदि आप पढ़ेंगे तो काफ़ी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट भी है, और विगत कुछ वर्षों से एक नियोजित तरीके से इस सब्जेक्ट को काफ़ी दबाया गया था, लेकिन ऐसा नहीं है किसी भी सब्जेक्ट कोई भी कितने समय दबा दिया जाता है तो फिर ऐसा नहीं कि वो सब्जेक्ट बेकार हो जाता है। सब्जेक्ट डिपेंड करता है कि आपका इंटरेस्ट कैसा है, यदि आप थोड़ा सा डायनेमिक हैं तो पब्लिक एड काफ़ी अच्छा सब्जेक्ट है, और GS में काफ़ी हेल्प करेगा आपके सेकेंड पेपर, GS में लगभग लगभग 70%, और लगभग लगभग इथिक्स का तो लगभग लगभग काफ़ी पोर्शन है वो, क्योंकि आप केस स्टडी हुआ तो केस स्टडी हमारे पब्लिक एड में भी है, तो ये सब चीज़ें हैं। तो एक अच्छा सब्जेक्ट है, और जहाँ तक प्रयास है तो आप YouTube चैनल पर भी हमारे मतलब संस्था का देख रहे हैं, उसमें काफ़ी क्लास नोट्स और वीडियोस आगे पढ़े हैं, और आगे भी आपके वीडियोस और ये सब क्लास नोट्स आपको मिलते रहेंगे, और ये है। तो ये हम सोचते हैं कि आप लोगों के लिए ये सब चीज़ें रहेंगी। और जहाँ तक तैयारी के दौरान है, तो तैयारी के दौरान हर चरण को स्टेप बाय स्टेप, चाहे वो प्री हो, चाहे मेन्स हो, चाहे इंटरव्यू हो, उसको उस रूप में लीजिए। आप कभी भी तैयारी इंटरव्यू के स्तर से न करें, क्योंकि होता है जो टॉप डाउन अप्रोच होता है, और कभी ये ना सोचे कि नहीं मैं तो सिर्फ IAS के लिए बना हूँ और किसी लिए नहीं बना हूँ, तो ये भी एक अप्रोच नहीं होना चाहिए। कुछ लोग आते हैं सोचते हैं कि नहीं तो हम तो यहाँ कलेक्टर बनने ही आए हैं, तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए। आप किसी रिजिड उस पर एक न रहे, आप अपने स्टेट पीसीएस चाहे किसी भी स्टेट से हों, स्टेट पीसीएस प्लस यूपीएससी दोनों को साथ साथ लेके चले, और दोनों में सामंजस्य बनाए, जो भी परीक्षाएं जहां भी संभावित हैं कि आगे होने वाली हैं उसको अच्छे से आप देखें, चाहे लोअर पीसीएस हो, चाहे रिव्यू ऑफिसर की परीक्षा हो, चाहे आपके अपर की परीक्षा हो, हर जगह। और लगभग लगभग जो अब उत्तर भारत के हिंदी भाषी जो भी राज्य हैं वहां पर जो स्टेट पीसीएस हैं वो लगभग लगभग यूपीएससी से मिलते जुलते ही उनके हैं, सिलेबस हैं। और इस संस्था के माध्यम से वो काफ़ी प्रयास किया गया है कि अभय सर ने नोट्स और सब कुछ आपको निःशुल्क प्रोवाइड किया, और संस्था आगे भी आपके लिए काम करती रहेगी। और ऐसा नहीं कि ये आपको आगे कोई प्रयास नहीं, आप कभी भी सर से मिल सकते हैं, व्यक्तिगत मिलेंगे, काफ़ी वो हैं डायनेमिक पर्सनालिटी हैं, और आपको काफ़ी अच्छा मार्गदर्शन कर देंगे, फ्रेंडशिप की तरह मिलते हैं, और काफ़ी कुछ प्रयास अच्छा कर है, तो आगे भी ऐसी चलती रहेगी। तो अभी जो भी संभावित परीक्षा है, 3 जून की परीक्षा आप लोगों की है, 27 अप्रैल से BPSC का मेंस है, BPSC का इंटरव्यू का क्लासेज भी हम लोग का चल रहा है, काफ़ी लोग हम लोग के इंटरव्यूज में हैं, और लोअर का इंटरव्यू था तो सर ने काफ़ी हमारा वो किया, हेल्प किया, तो उसकी अब हो गया, चयनित हो गया, मैं 13वां रैंक है हमारा,
और आगे भी अभी 2016 का आपका UPPCS का जो इंटरव्यू भी जो मेंस हुआ है उसके भी वो हैं, और 17 का मेंस है आपका, फिर 17 मई सुनने में आ रहा संभावित तिथि, फिर आगे भी 18 का आपका मतलब 2018 का भी एडवर्टाइजमेंट नहीं है तो वो भी तो आगे आने वाला है, तो इस तो आप संस्था को से जुड़ सकते हैं और काफ़ी प्रयास किया गया है इस संस्था के द्वारा कि आपको कुछ चीज़ें निःशुल्क प्रोवाइड किए जाएँ जो काफ़ी हद तक अच्छी मटेरियल हैं, और YouTube चैनल पे आप देख सकते हैं रीड IAS के, उस पर जाकर आप उसको सब्सक्राइब करके उसके मैटर को देख सकते हैं, नोट्स को देख सकते हैं, और आगे भी आपके लिए प्रयास होता रहेगा। तो तैयारी का अप्रोच वही होना चाहिए जिस रूप में वो डिमांड कर रहा है, चाहे UPPCS हो, चाहे UPSC हो, चाहे कोई भी अदर PCS हो, क्योंकि आप प्री मेंस और इंटरव्यू इसी रूप में तैयारी करें, आप इंटरव्यू और मेंस और प्री के रूप में ना करें, क्योंकि आप इंटरव्यू तैयारी कर लेंगे मालूम चला कि आपका प्री 10 साल बाद हो रहा है और तब तक आपकी फाइनेंशियल स्थिति भी अच्छी नहीं रह जाएगी, तो इस रूप में अभी तैयारी ना करें। तो आप प्री मेंस इंटरव्यू दो किसी भी आप सिविल सेवा चाहे वो स्टेट हो, चाहे PCS हो, चाहे UPSC हो, इसकी तैयारी करें। और इसीलिए और सभी लोगों को शुभकामनाएं, 3 जून की परीक्षा है और 27 अप्रैल को BPSC मेंस है, उसके लिए भी शुभकामनाएं, और जो लोग BPSC का इंटरव्यू दे रहे हैं उनकी भी शुभकामनाएं, ठीक है, धन्यवाद सभी लोगों को, ऑल द बेस्ट।